Hello everyone, this is Monica and I welcome you to my channel Monica Academy. In this video, I'll explain you the question answer of chapter number 6, the 100 dresses part 2. So, explanation shuru karne se pehle, agar abhi tak aapne channel ko subscribe nahi kiya hai, so please jaiye aur channel ko subscribe kijiye. To chaliye shuru karte hain explanation. Question number 1. What did Mr. Petronsky's letter say? Mr. Petronsky ka jo letter aaya tha, usme kya likha hua tha? Wo kya keh raha tha? Answer is Petronsky's letter said that Wanda won't come to school anymore. Petronsky ने अपने letter में लिखा था कि Wanda जो है वो अब कभी भी school नहीं आएगी. They were moving to a big city. वो लोग एक बड़े शहर में shift हो रहे हैं with family. There would be no more fun on names. और उन बड़े शहरों में नाम को लेकर मजाक नहीं उड़ाया जाता है जैसे कि Wanda का उसके surname को लेकर मजाक उड़ाते थे उसके classmates. There were plenty of funny names in the city. और मिस्टर पेट्रॉन्स्की आगे कहते हैं कि जो सिटी है बड़ी सिटी है वहाँ पे बहुत सारे लोगों के फनी नेम होंगे इसीलिए सिर्फ वहाँ पे वांडा के नाम को लेकर ही मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बिकॉज वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर नेम्स जो हैं वो थोड़े से अजीब होंगे. क्वेश्चन नंबर 2. इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट. जो मिस मेसन थी क्या वो क्लास के बच्चों के साथ एंग्री हुई थी मतलब उन्होंने उन पर गुस्सा किया था और या फिर वो अनहैप्पी थी और अपसेट थी दुखी थी वो. आंसर इज मिस मेसन इज अनहैप्पी एंड अपसेट विद द क्लास. मिस मेसन जो थी वो क्लास से अनहैप्पी थी बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपसेट बहुत ज़्यादा दुखी थी वो क्लास से. शी कॉल्स इट अनफॉर्चुनेट. उन्होंने उस बात को जो बच्चों ने वांडा का सरनेम का मजाक उड़ाया उसे अनफॉर्चुनेट कहा है दुर्भाग्यपूर्ण कहा है. इट ऑल हैपन इन अटर थॉटलेसनेस. उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं वांडा के साथ वो इसलिए हुई हैं क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी थॉट नहीं किया ये इस बात को सोचा नहीं कि जो वांडा के साथ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे ही ऐसा कर दिया. शी आस्क्ड द क्लास टू थिंक. उन्होंने क्लास से कहा कि वो सोचे कि उन्होंने क्या किया है. शी ऑल्सो आस्क नॉट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग बिकॉज ऑफ अ लॉन्गर नेम. और आगे उन्होंने बच्चों से ये कहा अपनी क्लास के कि अब वो आगे से किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट ना करें क्योंकि उसका नाम अगर लंबा हो या थोड़ा सा डिफरेंट हो और लोगों से तो इस चीज़ को लेके अब आगे से किसी को भी हर्ट नहीं किया जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर. मैडी जो थी वो कैसा फील कर रही थी जब उसने वांडा के फादर द्वारा लिखा हुआ जो नोट था उसको सुना उसके बाद मैडी ने क्या फील किया. आंसर इज मैडी फील्स ग्रेटली हर्ट. शी हैज़ अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. मैडी जो थी उसे बहुत गहरा दुख हुआ था ये सुनने के बाद कि वांडा जो है वो कितनी ज़्यादा परेशान थी कि वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे. उसके अंदर मैडी के अंदर बहुत ज़्यादा सिक फीलिंग आ रही थी उसे लग रहा था कि वो बीमार हो चुकी है उसके अंदर एक बेचैनी हो गई थी. शी लुक साइलेंटली लेकिन वो चुप थी बिल्कुल. शी हैज़ अ फीलिंग टू गो एंड टेल वांडा दैट दे हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स. वो चाहती थी कि वो उसी समय वांडा के पास चली जाए कैसे भी कर और वांडा को ये बताए कि उनका मतलब कभी भी उसे और उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था वो सिर्फ उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मैडी वांट टू डू. मैडी जो थी वो अब क्या करना चाहती थी उस नोट को सुनने के बाद जो वांडा के फादर ने लिखा था. आंसर इज मैडी वॉन्ट्स टू गो टू वांडा एट वंस. मैडी जो थी वो एक बार वांडा के पास जाना चाहती थी. शी वुड टेल हर दैट दे हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स. वो उसे ये बताना चाहती थी कि उनका मतलब कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था. शी थिंक्स टू टेल वांडा दैट दे थॉट हर टू बी स्मार्ट. और वो ये भी वांडा का बताना चाहती थी साथ में कि उन्होंने सोचा था कि वांडा जो है वो एक स्मार्ट गर्ल है. यहाँ पे मैडी का मतलब ये है कि जो उन्होंने मजाक उड़ाया है वांडा का वांडा को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए था उसे स्मार्टनेस दिखानी चाहिए थी उस चीज़ को लेके. ऑल्सो हर ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. और इसके साथ ही वांडा ने जितनी भी ड्रेसेस बनाई थी वो सभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर व्हाई. पैगी ने अपने बिहेवियर को छुपाने के लिए क्या एक्सक्यूजेस क्रिएट किए थे वांडा को लेकर एंड व्हाई क्यों किए थे. आंसर इज पैगी थिंक्स अप दैट शी डिडंट कॉल हर अ फॉरनर. पैगी ने सबसे पहला रीज़न ये दिया कि उसने वांडा को कभी भी फॉरनर नहीं कहा मतलब ऐसा नहीं शो किया वांडा को लेकर कभी भी कि हाँ वो दूसरी कंट्री से आई है और वो उनके जैसे नहीं है.
शी ऑल्सो डिड नॉट मेक फन ऑफ हर नेम. आगे वो कहती है कि उसने कभी भी वांडा का उसको मजाक उसके नाम को लेकर मजाक नहीं उड़ाया. शी थॉट दैट वांडा वॉज टू डम. वो कहती है कि वांडा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डम थी, मतलब बेवकूफ़ थी वो, जो कुछ समझ ही नहीं पाई. शी नेवर थॉट दैट शी कुड नो दैट दे वर मोकिंग एट हर. पैगी यहाँ पर यह कहती है कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वांडा को ये सब बातें पता हैं. वांडा ये समझ रही है कि हम लोग मिलकर सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिंग्स हाइट. मैडी की क्या थॉट थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो बॉगिंग्स हाइट के लिए जा रही थी, यानी कि वो वांडा के घर जब जा रही थी. आंसर इज मैडी होप्ड दैट दे वुड फाइंड वांडा. मैडी जो थी वो सिर्फ ये होप कर रही थी कि वांडा उन्हें किसी तरीके से भी मिल जाए बस. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी. वो वांडा को ये कहना चाहती थी कि सारे लोग जिन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया वो सब सॉरी कहना चाहते हैं वांडा से, शर्मिंदा है वो अपने किए हुए काम पर. द होल स्कूल थॉट दैट शी वॉज जस्ट वंडरफुल. पूरा स्कूल वांडा के बारे में ये सोचता था कि वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल गर्ल है एक. ऑल वुड बी नाइस टू हर. और सब लोग अब उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आएंगे और सब बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे. शी शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर. और वांडा को उस सिटी को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए. शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस टू हर. पैगी और मैडी जो है दोनों ही फाइट करेंगे उन लोगों के साथ जो भी वांडा के साथ नाइसली बिहेव नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 3, Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? जब मैडी जो थी वो वांडा के घर पहुंच गई थी तो वांडा का घर मैडी को उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में रिमाइंड क्यों करवा रहा था, क्यों उसकी याद दिला रहा था. आंसर इज वांडाज हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस बिकॉज बोथ लुक सिमिलर. वांडा का जो हाउस था और वांडा की जो ब्लू ड्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगी मैडी को. वो उसको उसकी याद दिला रही थी बिकॉज वो सिमिलर थे. When Maddie goes there, she finds the house shabby but clean. जब मैडी जो थी वो वांडा के घर पहुंचती है तो हाउस उसे शैबी लगता है, भद्दा लगता है देखने में थोड़ा, बट क्लीन था बिल्कुल. So was Wanda's faded blue cotton dress. सेम उस हाउस की तरह ही वांडा के पास एक फेडेड ब्लू कलर की कॉटन की ड्रेस थी जिसका रंग पूरी तरह से उतर चुका था, भद्दी लगती थी वो देखने में बिल्कुल, बट वो हमेशा ही क्लीन रहती थी. क्वेश्चन नंबर 4, What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? Maddie जो थी उसने किस चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से सोचा और सोचने के बाद वो कौन से important decision पर आ चुकी थी. Answer is, she decided not to stand by anymore and say nothing again. Maddie जो थी वो ये सोच चुकी थी, वो ये decide कर चुकी थी कि वो कभी भी किसी के किनारे में चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी. She would speak up if she heard anybody speaking badly. और ट्रीटिंग अदर्स अनकाइंडली. वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि अगर अब उसने किसी को भी किसी के साथ बुरी तरीके से बात करते हुए या फिर किसी को भी अनकाइंडली ट्रीट करते हुए देखा तो वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएगी. शी वुडंट माइंड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप फॉर दैट. और अगर इसके लिए उसे पैगी की फ्रेंडशिप को खोना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार थी. शी डिसाइडेड नेवर टू मेक एनीबडी अनहैप्पी. और अब वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि उसकी वजह से अब कोई भी पर्सन जो है वो अनहैप्पी नहीं होगा, वो अब किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं किया करेगी. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा. गर्ल्स यानी कि जो पैगी और मैडी थी उन्होंने वांडा को लेटर में क्या लिखा था. आंसर इज दे रोट अबाउट वांडाज प्रिटी ड्राइंग्स. उन्होंने लेटर में, दोनों लड़कियों ने लेटर में वांडा की प्रिटी ड्राइंग्स जो उसने ड्रेसेस बनाई थी उनके बारे में लिखा था. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. उन्होंने लेटर में उससे पूछा था कि जिस जगह पे वो रह रही है और जो उसके न्यू टीचर हैं स्कूल के, क्या वो दोनों ही उसे पसंद आ चुके हैं. दे रिग्रेटेड ओवर वॉट हैड हैपन. और दोनों ही लड़कियों को पछतावा था कि जो भी वांडा के साथ हुआ था उस चीज़ को लेकर. इट वॉज अ फ्रेंडली लेटर. ये लेटर एक फ्रेंडली लेटर था वांडा के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, डिड दे गेट अ रिप्लाई. हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी. हाउ डू यू नो. क्या लड़कियों ने जो लेटर वांडा के लिए लिखा था उसका रिप्लाई उन्हें कुछ मिला था, और रिप्लाई के लिए ज़्यादा चिंता में कौन था, पैगी या फिर मैडी. हाउ डू यू नो, आपको ये बात कैसे पता है. आंसर इज दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई टू देयर लेटर. लड़कियों को अपने लेटर जो उन्होंने लिखा था उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिला था. मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई. मैडी जो थी उसे रिप्लाई की ज़्यादा चिंता हो रही थी कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है. इट इज़ क्लियर इन द सेंस दैट शी कुडंट स्लीप प्रॉपरली. और ये हमें इस तरीके से पता चलता है कि मैडी ज़्यादा चिंता में थी क्योंकि वो सही से सो नहीं पा रही थी.
शी ब्रेस्ट आउट क्राइंग स्टॉप एज पर हर डिसीजन। और जब मैडी ने ये डिसीजन ले लिया था कि अब वो हर किसी को रोकेगी, अगर कोई भी किसी दूसरे इंसान को परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो उन्हें रोकेगी, और जब उसने ये डिसाइड किया था तब भी वो बहुत ज़्यादा रोती है। इट वॉज दैट शी वुड नॉट अलाउ एनीबडी टू हर्ट अदर्स और मेक फन ऑफ देम। और रोई वो इस बात पे थी क्योंकि उसने ये डिसीजन कर लिया था, ये डिसाइड कर लिया था कि अब कभी भी वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगी और ना ही दूसरों को कभी भी किसी और को हर्ट करने देगी या फिर उनका मजाक उड़ाने देगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। लड़कियों को कैसे पता चलता है कि वांडा जो है वो उन्हें लाइक किया करती थी हालांकि उन्होंने वांडा को बहुत ज़्यादा टीज्ड किया था, परेशान किया था उसे बहुत ज़्यादा। आंसर इज द गर्ल्स न्यू दिस फैक्ट फ्रॉम वांडाज लेटर टू मिस मेसन। लड़कियों को ये लाइक वाली बात जो है वांडा की, वो वांडा के लेटर से जो उसने मिस मेसन को लिखा था वहाँ से पता चलती है। इन दैट लेटर शी गेव हर ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी। उस लेटर में उसने कहा था कि वो अपनी ड्राइंग्स को पैगी और मैडी को देना चाहती है। शी ऑल्सो रोट दैट शी मिस्ड हर टीचर। उसने ये भी लिखा था साथ ही साथ कि वो अपनी टीचर को बहुत ज़्यादा मिस किया करती है। शी विश्ड ऑल अ मैरी क्रिसमस, और उसने सभी लोगों को मैरी क्रिसमस विश किया था। क्वेश्चन नंबर 1, Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न रहा होगा कि Wanda की फैमिली ने दूसरी सिटी में जाने का डिसाइड कर लिया? और क्या आपको लगता है कि दूसरी सिटी में जाने के बाद Wanda की जो फैमिली थी उनकी लाइफ जो है वो कुछ डिफरेंट हो गई हो? आंसर इज आई थिंक दैट Wanda's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी ड्यू टू रेशियल प्रेजुडिस। मुझे ऐसा लगता है कि वांडा की फैमिली दूसरी सिटी में इसलिए शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। लाइफ देयर इन अ बिग सिटी वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट, और उनकी लाइफ जो बिग सिटी में थी वो पूरी तरह से अलग थी। इट वॉज बिकॉज पीपल ओवर देयर वर नॉट हार्ड एंड हार्श इन देयर रेशियल प्रेजुडिस। बिग सिटी में जाने के बाद फैमिली की लाइफ इसलिए भी डिफरेंट हो गई थी क्योंकि बिग सिटीज़ के जो लोग थे वो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया करते थे, वो बिल्कुल भी हार्ड और हार्श नहीं थे उनको लेकर। दे वर नॉट सो इन प्रिटी थिंग्स लाइक लॉन्ग एंड फनी नेम। बिग सिटी में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि कोई भी पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के लॉन्ग नाम को देखकर या फिर डिफरेंट नाम को देखकर उसका मजाक उड़ाए। क्वेश्चन नंबर 2, मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पेगी'स टीजिंग, वॉज शी राइट? मैडी को लगता था कि उसका साइलेंस भी उतना ही ज़्यादा बुरा था जितना कि पैगी का वांडा को टीज करना। सो वॉज शी राइट, क्या वो सही थी? आंसर इज येस, मैडी थॉट दैट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। येस, मैडी ने ऐसा सोचा था कि उसका साइलेंस भी उतना ही ज़्यादा बुरा था जितना कि पैगी का वांडा को टीज करना। इट वॉज बिकॉज इट अमाउंटेड टू सपोर्टिंग पैगी। यहाँ पे उसको लगता था कि उसने भी योगदान दिया है, उसने सपोर्ट किया है पैगी को वांडा को टीज करने के लिए। शी वॉज राइट इन थिंकिंग सो, और यहाँ पे जो मैडी थी वो बिल्कुल सही है जो भी उसने सोचा था उसको लेकर। क्वेश्चन नंबर 3, पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, आई थॉट शी वॉज टू डम्प। पैगी यहाँ पे वांडा के बारे में कह रही है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वांडा में इतनी सेंस है कि वो ये समझ जाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ लड़की है। एंड गे, चलो आगे बढ़ते हैं। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो उसने कितना अच्छा ड्रॉ किया है। वट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम, डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर? और ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण पैगी को ये भी लगता था कि वांडा जो है वो एक डम गर्ल है, और बाद में क्या उसने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया था? आंसर इज वांडा नेवर रिएक्टेड टू पैगीज टीजिंग इन एन एरोगेंट वे। वांडा ने कभी भी पैगी का जो टीजिंग करने का तरीका था उसको लेके कभी भी अपना एरोगेंट शो नहीं किया। शी सेड एवरीथिंग साइलेंटली एंड सीरियसली। हमेशा वांडा जो थी वो सब चीज़ें चुपचाप आराम से कहती थी और सीरियसली कहती थी। शी हैड मोर अंडरस्टैंडिंग देन दैट ऑफ पैगी और मैडी। वांडा के अंदर पैगी और मैडी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों को लेकर। बट वांडा वॉज नेवर डम, लेकिन वांडा कभी भी डम नहीं थी। पैगी चेंज हर ओपिनियन लेटर, पैगी ने भी बाद में अपना ओपिनियन बदल दिया था। इट इज़ क्लियर इन हर रिग्रेटिंग लेटर एंड राइटिंग अ काइंड ऑफ अपोलॉजी। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है जो लेटर दोनों गर्ल्स ने वांडा को लिखा था कि वो अपना ओपिनियन बदल चुके थे, वो सॉरी मांग रहे थे। अपोलॉजी के लिए ही लेटर लिखा गया था कि वांडा उन्हें माफ़ कर दे जो भी उन्होंने उसके साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था जो मैडी ने लिया था और उस डिसीज़न को लेने के लिए उसे
इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आंसर इज मैडी डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर शी वुड नॉट स्टैंड साइलेंटली व्हेन समवन वाज मोकिंग अदर्स और मेकिंग फन ऑफ देम। मैडी ने डिसीजन ये लिया था कि फ्यूचर में वो कभी भी साइलेंटली स्टैंड नहीं करेगी। जब भी कोई किसी का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी को परेशान करेगा तो मैडी कभी भी चुपचाप नहीं खड़ी होगी। शी वुड स्पीक अप इवन इफ दैट मीन ब्रेकिंग पैगी'स फ्रेंडशिप। उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अगर इसके लिए उसे पैगी से अपनी फ्रेंडशिप को ख़त्म करना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार थी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट मेक एनीबडी हैप्पी। और वो ये भी डिसाइड कर चुकी थी कि आज के बाद वो कभी भी किसी को दुखी नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस? व्हाई आर दे सरप्राइज्ड? वांडा ने मैडी और पैगी को अपनी ड्राइंग्स जो थी ड्रेसेस वाली वो क्यों दे दी थी? और उसे लेने के बाद जो पैगी और मैडी थे वो दोनों सरप्राइज क्यों रह गए थे? आंसर इज वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस। वांडा ने अपनी ड्राइंग्स थी जो ड्रेसेस की वो मैडी और पैगी को दे दी थी। शी डिड सो इन रिप्लाई टू देयर मेकिंग फन फॉर हर ड्रेसेस एंड हर पॉवर्टी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों ही उसकी गरीबी का और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया करती थी, इसलिए वांडा ने उन्हें अपनी ड्रेसेस दे दी। She showed through this that she was above petty things like dresses etc. Wanda यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि वो ये छोटी चीज़ें जो petty things यानी कि छोटी चीज़ें होती है उनसे बहुत ऊपर है। और छोटी चीज़ें वो यहाँ ये कह रही है dresses को, shoes को, इन सब चीज़ों को वो छोटी चीज़ें बता रही हैं। Human values and qualities of mind were more important than dresses etc. ह्यूमन की जो वैल्यूज़ होती हैं और उसके जो क्वालिटी ऑफ माइंड है, उसके सोचने का तरीका दूसरों के बारे में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि ड्रेसेस और दूसरी मटेरियल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6। डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि वांडा जो थी वो ये समझ चुकी थी कि लड़कियाँ वांडा का मजाक उड़ाती हैं या उसे परेशान कर रही हैं? व्हाई और व्हाई नॉट? आंसर इज Yes, Wanda really thought so because she was a highly intelligent and sensitive girl. Yes, Wanda जो थी वो ये समझ चुकी थी कि लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा intelligent और sensitive girl थी। She had more understanding and maturity of mind than them. Wanda के अंदर चीज़ों को लेके understanding और उसका maturity level जो था वो उन दोनों लड़कियों से बहुत ज़्यादा था। This she showed in her drawings and later by sketching them and forgiving them. और ऐसा उसने शो भी किया, उसने दिखाया अपनी ड्राइंग के ज़रिए, और जो लेटर उसने लिखा था लड़कियों के लिए कि वो उनको माफ़ कर चुकी है, और जो उसके स्केचेस है वो उन दोनों लड़कियों को दे दिए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।